हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिलेक्शन टूल्स पढ़ा, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, तो इनके इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके नाम को आपको याद प्रिंसिपल्स को आपको याद करना होगा। सबसे पहला है DV के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। याद रखिएगा, DV ने कहा है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ड्यूरी का जो प्रिंसिपल है वो 1930 में आया था। उन्होंने कहा था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट राइट टाइम। फिर आया था मैकॉलविन का प्रिंसिपल, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये 1925 में आया। इन्होंने एक आपसे क्वेश्चन इसमें दो टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछा जाए कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दिया था, तो मैकॉलविन। सेकेंड थिंग, इन्होंने ये भी कहा था कि बुक्स जो होती हैं वो तब तक कुछ नहीं है जब तक बस उसको वाइट पेज पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया गया, तब तक वो बुक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। जब तक वो जो है रीडर्स के द्वारा डिमांड में नहीं जा रही, जब तक उसका सर्विस नहीं हो रहा है, तब तक वो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बुक सेलेक्शन इज़ रिलेटेड टू डिमांड। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि बुक्स आर देमसेल्व्स आर नथिंग, दे हैव नो मोर मीनिंग देन द वाइट पेपर अपॉन विच दे आर प्रिंटेड अनटिल दे आर मेड सर्विसेबल बाय डिमांड। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था, तो मैकॉलविन। इसकी प्रिंसिपल कब आई थी, 1925 में। ड्यूरी में याद रखिएगा, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट राइट टाइम। याद रखिएगा, जिसमें दो आ रहा था तो प्रिंसिपल में भी दो आर आएगा। तो इस तरीके से ट्रिक वाइज याद रखिएगा कि ड्यूरी का दो आर, तो दो आर इसमें भी आएगा, राइट बुक टू द राइट रीडर। कन्फ्यूजन हो जाता है। DV का ये याद रखिएगा कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। फिर हमारा आता है रंगनाथन जी का। तो रंगनाथन जी के द्वारा जो बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्होंने जो 5 लॉज दिए थे उसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड लॉज ही बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है। तो आपसे इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा। सेकेंड थिंग, इन दोनों का ईयर पूछा जाएगा। फोर्थ, आपसे पूछा जाएगा कि रंगनाथन का कौन सा जो लॉ है वो बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ। फिर फोर्थ में आपसे पूछा जाए कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसके द्वारा, तो मैकॉलविन। किसने ये कहा था कि बुक्स तब तक कुछ नहीं है जब तक वो सर्विस रीडर के सर्विस या डिमांड में नहीं आती है रीडर के द्वारा, तो वो किसने कहा था, LR मैकॉलविन। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।